अगर हुस्ने मुस्तफा को किसी ने बयान किया है हकीकत में तो कौन है? जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद ताइफा। इनके जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, वो तस्वीरें निकालता था। उसका कमाल ये था कि तुम जाकर के उसको अपनी महबूबा की सूरत बताते, सेम टू सेम वैसा ही नक्शा निकाल कर दे देता। यानी जो स्केच निकालने के माहिर होते हैं, ऐसा मुसव्विर था। लोगों की भीड़ उसके पास लगी थी अपनी अपनी। ये कैमरे का जमाना नहीं था कि महबूबा की फोटो ले लें और मोबाइल में रख कर देखते रहें। किसी मुसव्विर से खिंचवाना ही था, जा करके उसके खद व खाल बयान करते और वो बना करके देता। जब ये बात मशहूर हुई, हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए। ये वक्त के वली कामिल सैयद ताइफा कतार में खड़े हो गए। लोग अपनी महबूबाओं की तस्वीर निकाल रहे थे। जब नंबर आया आपका, आप अंदर आए, मुसव्विर देखकर घबरा गया। कहा, जुनैद तुम्हारा मेरे मकान पर क्या काम है? कहा, मैंने सुना है तू महबूबाओं की तस्वीरें हूबहू खींचता है, मेरा भी एक महबूब है, क्या तू उसकी तस्वीर बना के देगा? मेरा एक महबूब है। उसने कहा, बताओ कैसा कैसा है तुम्हारा महबूब, खद्दो खाल, हुलिया, कामत, सारा चेहरा, सारे नाज बताओ, मैं निकाल कर देता हूं। अब जब जुनैद बगदादी बयान करने लगे, अब अल्लाह के नबी का माथा ऐसा था कि चौड़ी पेशानी, भवें घनी, अबरुएं ऐसी थी लभाए नाज, गुलाब की पंखड़ियों की तरह रुखसारे नाज, अनार की सुर्खी लिए हुए कान मुबारक, जुल्फों से चमकते हुए तारों की तरह गर्दन मुबारक, सुराही की तरह दस्ते मुबारक, रेशम से ज्यादा नरम, और आपका शिबकह में नाज सीने नाज के बराबर। मुसव्विर कहा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जुनैद ये तस्वीर मेरे पास पहले से बनी बनाई रखी है। जुनैद ने कहा, तू ऑर्डर लेता है, 8 दिन बाद बना के देता है, मेरे महबूब की तस्वीर तेरे पास पहले से कैसे है? कहा, दर हकीकत बात ये है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उससे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, उसकी तस्वीर मेरे पास है। जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा लाओ लाओ तस्वीर, हम दोनों देखते हैं, दोनों सामने देखते हैं। वो मुसव्विर, वो आर्टिस्ट अपने घर में अंदर गया और जा करके कुरान मुकद्दसा लेकर के आया और कहा, ऐ जुनैद, क्या ये तेरे और मेरे महबूब की तस्वीर नहीं है? इससे बेहतर तस्वीर कौन बना सकता है? लो कुरान खोलो और आंख पलटो, रसूल का चेहरा देखना हो पढ़ो, वो दुहा वल्लैल इदा सजा, जब रसूल की जुल्फे पढ़नी हो पढ़ो, वल्लैल इदा सजा, वल्लैल इदा यग्शा, जब रसूल पाक के हाथ मुबारक को बयान किया है मौला ने, कहा वमा रमैत इद रमैत वलकिन अल्लाह रमा, रसूल पाक की आंखों को बयान किया मौला, मा सागल बसर वमा तगा लकद रा मिन आयाति रब्बी हिल कुबरा, रसूल पाक के कदमे नास को अल्लाह ने फरमाया है, ला उक्सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अरे तेरे रब ने तेरे हबीब का सीना भी बयान किया है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनक विज्र, रसूल पाक के हर अजू को कुरान पाक में बयान किया है। इसीलिए शायर ने, नज़मी ने कहा है, मारहरा के शायर ने, आगाज से अखीर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है।